नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। कोरोना संक्रमण के चलते शहर के प्रमुख चौराहों पर तैनात पुलिस जवानों और नगर निगम के अमले की सुरक्षा को देखते हुए शहर के सभी चेकिंग पॉइंट और पुलिस वाहनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। इंदौर शहर में कोरोना संक्रमण के चलते स्थिति काफी गंभीर है, ऐसे में अपनी परवाह किए बगैर पुलिस जवान और निगम की टीम शहर में मोर्चा संभाले हुए है। चेकिंग प्वाइंट पर तैनात पुलिस कर्मियों और निगम कर्मियों की सुरक्षा को देखते हुए शहर में बनाए गए सभी चेकिंग प्वाइंट को सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही उनके वाहनों को भी सैनिटाइज किया जा रहा है। नगर निगम अधिकारी के अनुसार चेकिंग प्वाइंट पर पुलिस कर्मी और नगर निगम की टीम बड़ी संख्या में लोगों के संपर्क में आते हैं, ऐसे में सभी चेकिंग प्वाइंट को सैनिटाइज करने का कार्य शुरू किया गया है ताकि जनता की सुरक्षा में खड़े पुलिस कर्मी और निगम कर्मी संक्रमण से सुरक्षित रहें। शहर के सभी चेकिंग प्वाइंट को प्रतिदिन से सैनिटाइज किया जाएगा। ये हमारे नगर पालिका निगम के माध्यम से हो रहा है। ये जो हमारा ड्यूटी लगाई है हमारी संयुक्त रूप से पुलिस प्रशासन और निगम की तरफ से, तो हम यहाँ पे चेकिंग पॉइंट पे कई लोगों को रोक रहे हैं, तो उसमें कई संक्रमित एम्बुलेंस वगैरह या सभी चीज़ आ रही है। तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए जितने भी आज चेकिंग पॉइंट है अपने, उन सभी सभी जगह अपन सैनिटाइजेशन का कार्य करा रहे हैं। जगह करवाया अभी अपन ने यहाँ पे पहला अपने ये सहयोगितागंज के वहाँ पे हुआ है, अपने ये छोटी ग्वालटोली थाने से अपने मधुमिलन चौराहे पे हुआ है। इसके बाद अभी अपने पटेल ब्रिज के यहाँ होगा, फिर रिगल स्क्वायर के यहाँ होगा। ऐसे सभी जगह संबंधित अपने सभी जगह जो भी है जिनके भी लगे है ड्यूटी सभी जगह होगा। मैं राजकुमार यादव हूँ जोन 10 से, असिस्टेंट CSI। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट।